नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवधर दुबे और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडीज लेक्चर बाय देव दुबे में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंश्योरेंस लॉ। इंश्योरेंस लॉ में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंश्योरेंस होता क्या है और इंश्योरेंस के एसेंशियल, व्हाट इज इंश्योरेंस एंड एसेंशियल ऑफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंश्योरेंस जो टर्म है, जो कि हम डेली लाइफ में अपने रोज यूज करते हैं, इंश्योरेंस वो होता क्या है। इंश्योरेंस का मतलब होता है एक तरीके से प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉस। अगर सिंपल शब्दों में बताएं कि एक तरह का प्रोटेक्शन है फाइनेंशियल लॉस के अगेंस्ट। ये एक तरह का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को ये गारंटी देती है कि अगर कुछ कंटिंजेंसी हो जाती है, ठीक, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको कंपनसेट करेगी वो पार्टी, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसमें साथ में कंसिडरेशन भी होता है। कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, जहां पे जो कंसिडरेशन होता है उसको प्रीमियम कहते हैं। वो या तो क्वार्टरली या एनुअली या फिर जिस तरह इंश्योरेंस पॉलिसी में डिस्क्राइब है उस तरह से पेमेंट नेसेसरी है। उस पेमेंट के वजह से ही ये इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर आप मेरे कंडीशन को फुलफिल करेंगे, पेमेंट करेंगे, तब मैं आपको ये पॉलिसी दूंगा, ठीक है। पॉलिसी मतलब आपसे ये कंपनसेट करने का तैयार होगा। इंश्योरेंस में दो पार्टीज होती है, एक इंश्योरर एक इंश्योर्ड। इंश्योरर वो जो इंश्योरेंस की पॉलिसी देता है, जो इंश्योरेंस करता है, जो ऐसी गारंटी देता है, और इंश्योर्ड वो जिसके बेनिफिट में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसको गारंटी दी जाती है और जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि जो इसके एसेंशियल्स है, पहला एसेंशियल है इंश्योरर, यानी कोई इंश्योरर होना चाहिए। इंश्योरर कौन हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, लेकिन या तो गवर्नमेंट या कंपनी, कोई अगर कंपनी है तो उसे रजिस्टर्ड होना इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है। जैसे कि भारत में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC एक रजिस्टर्ड कंपनी है और उसके पास लाइसेंस है इंश्योरेंस ग्रांट करने के लिए फॉर लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। आगे देखते हैं जो इंश्योरर, दूसरा एसेंशियल इंश्योरर, ठीक है। इंश्योर्ड मतलब वो व्यक्ति जो इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदता है। इंश्योरेंस पॉलिसी को कौन खरीदता है, कोई व्यक्ति जो अपने बेनिफिट में प्रोटेक्शन चाहता है लॉस के अगेंस्ट, वो इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदता है, ठीक है। जिस वो एक पेमेंट करता है प्रीमियम को, उसके सारे टर्म कंडीशन को फुलफिल करता है, तो उसे पॉलिसी का बेनिफिट मिलता है, चाहे वो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, मरीन हो, या कोई और तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी हो। आगे अगला जो एसेंशियल आता है वो है कंटिंजेंसी। कोई कंटिंजेंसी होने पर ही ये जो इंश्योरेंस का क्लेम होता है, जो अमाउंट का वो मिलता है, जो भी अमाउंट इंश्योरेंस पॉलिसी में डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, वो अमाउंट तभी मिलेगा जब कोई कंटिंजेंसी, कोई इवेंट जिसके लिए इंश्योरेंस दी गई है वो अगर हो जाता है, ठीक है, या नहीं होता जैसा जो रिक्वायरमेंट है इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो ही ये क्लेम आपको मिलेगा, ये अमाउंट मिलेगा। कंटिंजेंसी होना जरूरी है। अगला एसेंशियल है प्रीमियम। प्रीमियम मतलब आपको एक अमाउंट कंसिडरेशन के फॉर्म में हर महीने, हर 6 महीने पर, जैसा इंश्योरेंस पॉलिसी बताती है, या फिर एक साथ लमसम अमाउंट इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस जैसा होता है, तो उसमें एक लमसम अमाउंट दिया था। जिस तरह भी किसी भी फॉर्मेट में आपको एक कंसिडरेशन के रूप में कोई अमाउंट देना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, किसको, इंश्योर्ड को, इंश्योरर को, जो आपको इंश्योरेंस दे रहा है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी को आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो कहलाता है प्रीमियम, और इस प्रीमियम के एवज में ही आपको इंश्योरेंस गारंटी देता है। इंश्योरेंस कंपनी गारंटी देती है कि अगर आपके साथ कोई कंटिजेंसी होगी तो आपको क्लेम मिलेगा, पूरा अमाउंट मिलेगा, आपको कंपनसेट किया जाएगा। अगला इसका आता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट की पेमेंट होती है मैच्योरिटी पर या फिर इवेंट के हो जाने पर। अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो डेथ पर या फिर मैच्योरिटी पर आपको पूरी अमाउंट का पेमेंट होता है, ठीक है। ये एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस एक तरह का इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इंडेमनिफिकेशन हो नहीं सकता, लेकिन फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस इंडेमनिफाई का कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमनिटी वहाँ पर होता है। जो भी आपको लॉस होता है वो कंपनी बियर करती है, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट, जिस लिमिट तक वो इंश्योरेंस पॉलिसी बताएगी, ठीक है। ये मैच्योरिटी होने पर आपका पेमेंट फिक्स्ड है, लाइफ इंश्योरेंस में आपको मिलेगा। अब अगला आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस में कोई भी चीज इंश्योर कराई जा सकती है, चाहे वो लाइफ हो या कोई प्रॉपर्टी हो। अगर लाइफ इंश्योरेंस का केस है तो लाइफ आपकी एक हो सकती है, जो लाइफ पीरियड है कितने साल तक, तो एक पीरियड को डिसाइडेड होता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, वो उस पीरियड तक के लिए आपको इंश्योर किया जा सकता है। इसी तरह कोई प्रॉपर्टी है तो फायर, उसको फायर से, मरीन से लॉस, मरीन लॉस से बचाने के लिए उसका भी इंश्योरेंस हो सकता है, लेकिन ये हर बार रिन्यू करना पड़ता है, एनुअल होता है, हर साल आपको बार बार ये उसको रिन्यू करना पड़ता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के साथ ऐसा नहीं, वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम के लिए होता है।
अब आगे जो हम देखते हैं वो फाइनल है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट केस में एक एग्जीक्यूशन होना एसेंशियल है इसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें एक जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या एसेंशियल होते हैं वो प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है। एक वैलिड कंसेंट की जरूरत होती है, एग्रीमेंट के लिए लॉफुल पर्पज के लिए होना चाहिए, तो ये सब कंसिडरेशन जो जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए होते हैं इंश्योरेंस में भी माने जाएंगे, और एक वैलिड एग्जीक्यूशन के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही इंश्योरेंस एक वैलिड इंश्योरेंस मिलता है, पॉलिसी मिलती है। आज की वीडियो में हमने पूरा देखा कि इंश्योरेंस क्या होता है, एसेंशियल्स क्या है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।